दहशतगर्द के माहौल पैदा करने की कोई कसर नहीं छोड़ा जाते। बिना दहशतगर्द, बिना तनाव, बिना हिंसा बंगाल में पंचायत चुनाव ये नामुमकिन है, ये असंभव है। चाहे जो भी भरोसा बंगाल के सत्तारूढ़ पार्टी दे और खुद मुख्यमंत्री दे, इसका कोई मूल्य से कोई अहमियत आप लोगों की पास नहीं है। लोग डरे हुए हैं। आप जाइए हमारे दफ्तर में भी, जो उम्मीदवारों ने नामांकन दर्ज किए घर में नहीं रह सकते, डर की मारे उन लोगों को भागने पड़ी और सारे हमारे पार्टी दफ्तर में आके रुके। या हम लोग शरण दिए हैं काल से, क्योंकि डराते हैं, धमकाते हैं, मारते हैं और पुलिस चुप्पी साधे रहते हैं। तो मतलब एक तो ऊपर ऊपर आप देख रहे हैं कि हिंसा हो रहे हैं, खून खराबा, बॉम्बिंग सब कुछ हो रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर जो खामोशी तनाव, खामोशी जो भयभीत के माहौल चल रहे हैं, खामोशी दहशतगर्द की जो माहौल चल रहे हैं, इसके चलते भी बंगाल के जो पंचायत चुनाव में जो उम्मीदवार हैं उनकी जिंदगी में एक बड़ा मुसीबत पैदा हो गया है। खासकर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर डराना धमकाने की भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं। नामांकन करने के बाद उनको प्रत्याहार करने के लिए, वापस लेने के लिए, तो बंगाल की आग की नजारा है। दिनहाटा में बीजेपी कार्यकर्ता को बुलाकर खून किया गया है। यही तो होगा बंगाल में। इसीलिए ना हम लोग बार बार कहते हैं कि सेंट्रल फोर्स की तैनाती जरूरी है, नहीं तो बंगाल में ये घटना रोज घटते रहे और इसकी इजाफा भी होते रहे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।